नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग, और अभी तक आपने सुना है राज कितना परेशान है, सुहानी कितनी सैड है, और सभी उनके घर वाले भी बहुत परेशान है, क्योंकि रिश्ते में अब संजना की एंट्री जो हुई है, जो उन लोगों की परेशानी की वजह बनी है। उनके प्रेम रंग में भंग डालने वाली ये संजना क्या क्या चाल चलती है, चलिए देखते हैं। और फिर राज और सुहानी क्या एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि राज सुहानी को खोज रहा है उसे सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि संजना के पास राज और उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो रोमांटिक है, जो संजना ने एडिट किए हैं। तो चलिए, क्या होता है ये जानने के लिए सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 77। सुहानी राज को पहचानेगी या नहीं? समीर उसे कहता है, अरे राज, हम उन दोनों को कहाँ खोजने जाएंगे, कहाँ गई है ये तो बताया भी नहीं है, पता भी नहीं चल सकता। अब सुहानी की क्या हालत होगी और वो तुम्हारी क्या हालत कर देगी, ये सोचो। अगर उसने तुम दोनों के वो रोमांटिक फोटो देख लिए ना, तो तुम्हारी साली साहिबा या मेरा दिल चुराने वाली पूजा तुम्हारी हालत क्या कर देगी, ये सिर्फ सोचो। राज उसे कहता है, पहले से डरे हुए को क्यों और डरा रहे हो? जब तक मैं सुहानी से बात नहीं कर लेता, तब तक मेरी हालत क्या है ये मैं तुझे समझा भी नहीं सकता हूँ, और शायद तुम समझ ही नहीं सकते हो। लड़कियों को समझाना और समझना इतना आसान नहीं है। लड़कियां ना एक बार कुछ समझ लेती है ना, तो कोई कितना भी समझाए कुछ समझ नहीं आता उनको। ये मेरी बात तो तुझे समझ नहीं आ सकती। राज, क्या कह रहे हो? समीर उसे कहता है, क्यों बात घुमा रहे हो यार? सारी बातें सर के ऊपर से चली गई। वो देखो मंदिर, चलते हैं वहां पर, राधा कृष्ण जी का मंदिर लग रहा है, चलो तुम्हारे लिए उनसे ही मदद मांगते हैं, यही एक रास्ता बच गया है, यही एक रास्ता नजर आ रहा है। इतना भी मत सोच, खुद पागल हो जाएगा, और ये तुम्हारी बातों से मैं भी पागल हो जाऊंगा। और ये क्या राज, अरे अरे, क्या तुम उस लड़की को घूर रहे हो, बेशरम राज, ये क्या कर रहे हो? समीर तू भी ना, अरे मैं उसे देख नहीं रहा हूँ, मुझे वो सुहानी जैसी लगी ना, इसलिए देख रहा था। एक बात सुन ले, भूल कर भी अभी इस मूड में तुम सुहानी के सामने ऐसा वैसा मजाक कभी मत करना। समीर कहता है, ओ माय गॉड, शेर को खरगोश बनते आज देख लिया मैंने। अभी तो यार तेरी शादी भी नहीं हुई, इतना डरता है तू? वैसे भी सुहानी तो बहुत शांत है, बहुत शांत है, समझदार है। अगर वो अभी गुस्सा है तो उसकी वजह तुम ही हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से वो गुस्सा है। वैसे उसे कभी ज्यादा गुस्से में नहीं देखा मैंने, कोई गुस्से से बात भी नहीं करती है। हाँ, पूजा की बात अलग है, उसका गुस्सा भी कितना प्यारा है। गुस्से में बातें करती है तो जैसे फूल खिलते हैं, उसका चेहरा गुस्से में भी कितना प्यारा लगता है। समीर, समीर, अरे यार, फिर से खो गए तुम पूजा के ख्यालों में। यहाँ पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, कितनी सारी मुश्किलें हैं, और तुम हो कि रोमांटिक हुए जा रहे हो, मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है। वो देख, सामने मंदिर है ना, हम वहीं रुकते हैं,
ये कहकर राज मंदिर के पास गाड़ी रोक देता है और दोनों भी उतरते हैं। आज मंदिर में कुछ ज्यादा भीड़ लग रही है ना? इस बात पर समीर कहता है, हाँ प्रॉब्लम लेकर सभी आ जाते हैं, हम भी तो आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। दोनों वहां पर दर्शन कर लेते हैं। राज मन में बहुत सारे श्रद्धा भाव से श्री राधा और कृष्ण जी का दर्शन करके प्रार्थना करता है, प्लीज मुझे इस मुसीबत से बचा लीजिए, मेरे सारे प्रॉब्लम दूर कीजिए, मेरा प्यार मुझसे कभी दूर मत कीजिए। और दर्शन के बाद दोनों वही बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा मंदिर होता है, बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे वहां पर होते हैं, बहुत अच्छा मौसम होता है। लेकिन कभी कभी मौसम कितना भी अच्छा प्यारा क्यों ना हो, मन में दिल में परेशानियां हो तो मौसम भी अच्छा नहीं लगता है। वही राज का भी हाल होता है, बहुत बेचैन होके वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। आते जाते लोगों में उसकी तलाश सिर्फ सुहानी होती है, उसकी नजरें सुहानी को तलाशती है। निराश होकर राज कहता है, चलो अब यहाँ बैठकर कोई फायदा नहीं, सुहानी से तो मुझे अपनी बात कहनी थी लेकिन वो जानबूझकर मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। समीर तुम खुद देख लो मैंने कितनी बार कॉल किया है, चलो ठीक है निकलते हैं हम लोग। और दोनों भी दूसरे रास्ते से निकलने लगते हैं। तभी दोनों एक साथ जैसे चिल्लाते हैं, अरे ये क्या, वो देखो ये तो अनहोनी हो गई, श्री राधा कृष्ण जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली, जरूर उनको हमारी दया आई होगी, चलो पहले छुपते हैं। राज उसे इशारों में कहता है, हमें छुपना होगा, उसके बाद देखते हैं, मौका देखकर बात कर लेते हैं। दोनों आसपास से छुप जाते हैं। सुहानी के आते ही राज को सारा मौसम ही सुहाना लगने लगता है, हवाओं में उसकी खुशबू महकने लगती है। राज बहुत प्यार से उसे देखने लगता है। सुहानी अपने जुल्फों की लटे सवारते हुए पूजा से बात कर रही थी, फिर कुछ पल चुप होकर यहाँ वहाँ देखना जैसे कि वो भी किसी को खोज रही है। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी तो साफ नजर आती है, रेड कलर के सूट में गुलाब की तरह लग रही थी। राज मन ही मन सोचता है, इतनी उदासी में इतनी परेशानी में भी इसकी खूबसूरती पर कोई असर नहीं होता। मौसम कोई भी हो, टेंशन कैसा भी हो, हर पल ये खूबसूरत फूलों की तरह दिखती है, ये कैसा जादू है। एक बार इसे नजरें देखे तो दूर जाने का नाम नहीं लेती। और दूसरी ओर समीर अपनी पूजा को बड़े ही प्यार से देख रहा था, ज्यादा गोरी नहीं, ग्लोइंग स्किन, खूबसूरत हेयर, चेहरे पर कितना कॉन्फिडेंस, तेज तर्रार आंखें, दूसरे को अट्रैक्ट करने की बहुत सारी अदा है, हर बात में कॉन्फिडेंस नजर आता है। आइसक्रीम, समोसा, पिज्जा, बर्गर ये सब देखकर बच्चे जैसी खुश हो जाती है। पूजा की तो बात ही अलग है। वो दोनों छुप छुप कर पूजा सुहानी को देखते हैं, तारीफ करते हैं और आजू बाजू जाने आने वाले लोग उन लोगों को देख रहे थे। वो लोग कहते हैं, कैसे निर्लज लोग हैं, कैसे निर्लज लड़के हैं, छुप छुप कर लड़कियों पर लाइन मार रहे हैं, छेड़ रहे हैं। तभी एक अंकल आ जाते हैं, कहते हैं तुम दोनों को कोई काम नहीं है, भगवान के मंदिर में भी तुम लोग अच्छे से नहीं रह सकते, ये क्या यहाँ पर छेड़खानी कर रहे हो, भगवान से भी तो डरो, कमीनों। उनके साथ जो आंटी रहती है वो बोलती है, ये लोग तो ऐसे नहीं सुधरेंगे, हमें ना पुलिस को कॉल करना चाहिए। दोनों भी घबराते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, हम लोग छेड़ नहीं रहे,
हम सिर्फ देख रहे हैं। आंटी कहती है, देखो देखो इनकी बेशर्मी तो देखो, खुलेआम बोल रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं। राज कहता है, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हो, हम दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर है। आंटी और गुस्से से कहती, हाँ हाँ अब तो सरकार ने तुम्हें ये काम दिया है खूबसूरत लड़कियों पर नजर रखने का, है ना, और उनको छेड़ने का। अब आसपास के लोग भी जमा हो जाते हैं। समीर कहता है, प्लीज प्लीज आप सब हमारी बात तो सुन लीजिए, अभी हम उन दोनों को बुलाते हैं, वो दोनों हमें पहचानती है, हम तो मजाक कर रहे थे, उनसे छुप रहे थे। और उन दो लड़कियों में से एक लड़की तो ये मेरे दोस्त राज की मंगेतर है, दोनों भी मंदिर में आएगी ना, तो आप पूछ लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा, हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे। अच्छा तब तक तो आप दोनों को यही रुकना है, समझे, भागने की कोशिश मत करो। वो दोनों क्या कहती है ये देखना है। आज तो तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ही चलना होगा, वरना पुलिस को यही बुलाएंगे, अंकल कहते हैं। और समीर और राज एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, अभी तो हम दोनों ने श्री राधा श्री कृष्ण जी से विनती की कि सब कुछ सही हो जाए, और ये क्या, ये कैसी सजा है, एक के बाद एक मुसीबत में फंस रहे हैं। अगर ये दोनों ने पहचानने से इनकार किया तो क्या होगा। तो दोस्तों आप भी यही सोच रहे हो ना, उन दोनों ने गुस्से में अगर पहचानने से इनकार किया तो क्या होगा। इसका मजा तो आपको अगले एपिसोड में आएगा, है ना, तो उसके लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, जिन्हें स्टोरी सुनना पसंद है उनको भी तो ये स्टोरी सुनने का अवसर दीजिए, एंजॉय करने दीजिए। और आप हमें भी बताइए आपको ये स्टोरी कैसे लगी जिसे हमने लिखा है। और हाँ, Spotify जैसे चैनलों पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वही थोड़ा सा इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, और तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।